कांग्रेस ने सरकार पर पार्टी के खाते पर तालेबंदी का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने चार खातों को फ्रीज किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि बिजली बिल भरने और सैलरी के लिए भी अब उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि इनकम टैक्स ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। कुल चार खाते फ्रीज किए गए हैं। 210 करोड़ की रिकवरी आयकर विभाग ने मांगी है। 2018-19 के रिटर्न के आधार पर ये अकाउंट फ्रीज किए गए हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने ये दरअसल जो कार्रवाई की है वो सही नहीं है। परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100-100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है, तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? किस आधार पे फ्रीज करे गए हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, तो हास्यपद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी है, 210 करोड़ की कुल रिकवरी। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, जिस तरीके से अजय माकन आरोप लगा रहे हैं, उनका यह कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो कल फैसला आया उससे बीजेपी तिलमिला गई, उनके पास कितना पैसा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, पहले तो वो सार्वजनिक करें उसके बाद इस तरह की कोई कार्रवाई करें। देखिए, कांग्रेस अभी सकपकाई हुई है नेहा। जो अजय माकन से भी हमने बात की, वो बिल्कुल आनन फानन में बोले कि मेरी फ्लाइट है और मैं जा रहा हूँ और राहुल गांधी से बात करूंगा क्योंकि हमारे पास ना सैलरी देने को है, ना बिजली की बिल भरने को है और ना ही किसी का फ्लाइट टिकट कराने को है, तो हम पैसा जो है एक कैश में एक अमाउंट का ही रख सकते हैं, हमारे अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं, यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज हो गए, तो अब कैसे आगे चलेगा मामला ये समझ में नहीं आ रहा। इस तरह की बात करके अजय माकन अभी राहुल गांधी से मिलने के लिए निकल गए हैं। उनका ये कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतना बड़ा घोटाला और घपला हो रहा है, उस पर सरकार जवाब नहीं दे रही, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर संवैधानिक करार कर दिया है और कांग्रेस के पीछे चुनावी मौसम में पड़ी है एक 5 साल की पुरानी कंप्लेंट को लेकर, जिसको लेकर लगातार हम इनकम टैक्स विभाग को जवाब दे रहे थे और उन्होंने ये कहा कि दो आपत्ति इनकम टैक्स ने विभाग ने दर्ज की जो कि अपने आप में हास्यास्पद है। एक उन्होंने कहा कि आपने जो है देरी से इनकम टैक्स फाइल किया, 2018-19 का इनकम टैक्स विभाग ने एक्सटेंशन भी दिया था और हमने देरी से किया तो आप फाइन ले लीजिए, आप अकाउंट थोड़ी फ्रीज कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि एक 14 लाख 40 हजार का एक कैश डिपॉजिट था जो हमने लिखा था कि भाई
है के सी वेणुगोपाल ने इतने पैसे कैश में दिए, फलाना विधायक ने, एमपी और एमएलएज ने जो कैश दिया था 14,40,000 का, वो मैं हम लोग ने कैश रिसीप्ट दी थी उसको लेके आपत्ति जताई है। तो ऐसी बिल्कुल वो तो कह रहे हैं कि हम सब लीगली कर रहे हैं, सारी चीजें लीगली थी, यूपीआई से पेमेंट ली गई थी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मौसमी, इनकम टैक्स की तरफ से क्या नोटिसेस नहीं दिए गए थे या एकाएक ये अकाउंट फ्रीज किए गए? देखिए, जो कांग्रेस का कहना है कि एकाएक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, बातचीत चल रही थी, लगातार संवाद, और हम लोग हर उनके नोटिस का जवाब दे रहे थे। आप इनकम टैक्स विभाग में कंटेस्ट कर सकते हैं जो वो कह रहे हैं, और वो चल रहा था। बीजेपी प्रवक्ता नलन कोहली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नलन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। जिस तरीके से अजय माकन बता रहे हैं, उनका तो ये कहना है कि इनकम टैक्स ने ना कोई नोटिस दिया, अचानक से अकाउंट फ्रीज हो गया, सब कुछ आपकी पार्टी ये कहने पर हो रहा है। ये तो इनकम टैक्स विभाग तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है ना भाई। देखिए, जो इन्होंने बात कही है उसमें इनकम टैक्स से तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। आरोप लगाना बड़ा सरल है, रोज सुबह शाम कांग्रेस का कोई एक बड़ा नेता खड़ा हो जाता है और एक आरोप लगा देता है। आरोप तथ्यहीन हो, सत्य पे आधारित है या नहीं, अब कौन इसकी पुष्टि करेगा? आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते भाई। जो भी प्रावधान होता है उसी के तहत कार्रवाई की जाती है। इनकम टैक्स ने अगर अटैच कर दिए कांग्रेस के अकाउंट तो कोई प्रावधान के तहत ही किया है। वो प्रावधान के तहत अगर किए गए तो एक प्रक्रिया होती है। अब पहले भी कांग्रेस के ऊपर में प्रश्न उठ रहे थे कई मैटर्स में, तो सोनिया जी, राहुल जी, जहां तक मेरी जानकारी है, बेल पे है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी और ने अपना नेशनल हेराल्ड के साथ जो पैसे दिए थे, क्यूट दिए थे, वो ट्रांसफर हो गया। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर कल फैसला आया था उससे इतनी तिल मिला गई कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि ना आपको खाने देंगे ना हम खाएंगे। ये तो बिल्कुल आपने मेरी पहली बात की पुष्टि कर दी। इस बयान से तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि आरोप लगाना पहली बात थी, तथ्यों से भाग रहे होंगे, वो कहना नहीं चाह रहे होंगे कि किस आधार पे उनके अकाउंट बंद हुए हैं, तो इसलिए एक आरोप लगा दो भाई। कल फैसला आया तो क्या कल रात को इनकम टैक्स 2 बजे रात को बैठी है क्या, 3 बजे रात को बैठी है, 4 बजे बैठी है क्या? ये तो कार्रवाई कई महीनों से, शायद हो सकता है कई सालों से चल रही हो। क्योंकि हम लोग वकील हैं, हम देखते हैं ऐसी चीजें थोड़ी ना होता है कि कोई एक अफसर खड़ा हो जाता है रात को और एक मंगा देता है ऐसे नोटिस। पूरी फाइल पे नोटिंग होती है, फाइल का एक प्रोसेस होता है। मामले में तो नोटिस भी जाता है ना पहले। नलिन जी, नोटिस तो गया होगा इनके पास भी, पर अगर उनको वो भी लॉजिकली ये सवाल उठ सकता है, लेकिन ये प्रावधान पर डिपेंड करेगा ना कि आपने क्या उल्लंघन किया है। कई जगह ऐसे उल्लंघन होते हैं जिसमें नोटिस ना जाए, जैसे कोई चोरी का पैसा लेकर जाता है, आप अगर चोरी करते हैं, उदाहरण के लिए दे रहा हूं, तो उसमें कहां से आप नोटिस देंगे? वो तो चोर चीज लेके भाग जाएगा। तो कई जगह जैसे पावर टू अरेस्ट होती है, सीआरपीसी में पावर टू अरेस्ट होता है कि भाई आपको लगता है आदमी भाग सकता है तो पुलिस वाला वहीं पर बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। तो ये प्रावधान पर आधारित है और प्रावधान कानून पे आधारित है। आप कांग्रेस पार्टी के लिए तो सरल है, कानून को नजरअंदाज कर दो और कोई भी आरोप लगा दो। उनका तो ये भी कहना है कि पैसे ही नहीं है, अब ना सैलरी भर सकते हैं ना बिजली का बिल दे सकते हैं, एकदम लाले पड़ गए हैं यहाँ पर फंड्स के। तो अगर लाले पड़ गए हैं तो ये प्रश्न भी उठेगा कि इतने सालों से नेशनल हेराल्ड को फिर कुछ पैसे देते जा रहे थे भाई। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो एक कंपनी को क्यों आप पैसे दे रहे थे, और फिर उस कंपनी को क्यों एक और कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जहां राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उनके करीबी लोग हैं? तो इसका भी जवाब देना चाहिए। जब आपके पास पैसे की कमी चल रही हो तो इसका मतलब है कि एक न्यूज़पेपर की कंपनी में जहां पर हजारों करोड़ के एसेट्स हैं उसमें आप लोन देना शुरू करेंगे? यही जहां तक मेरी जानकारी है उन पर आरोप लगा हुआ है इतने सालों से। 210 करोड़ की रिकवरी कहां से देंगे? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास इतने पैसे नहीं है कि इनकम टैक्स विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। बात 210 करोड़ की या 1 रुपए की, 100 रुपए की, 1,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, 1 करोड़ की, बात विषय अमाउंट का नहीं है। विषय है कि भाई क्या उल्लंघन हुआ है और क्या जो डिमांड है वो जायज है। अब जैसे इनकम टैक्स का कोई डिमांड आता है कानून में, उसमें इंटरेस्ट भी हो सकता है, कभी कभी सेटलमेंट कमीशन के सामने जाता है, तो अमाउंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। उल्लंघन क्या किया है आपने, क्या कानून तोड़ा है आपने और क्या प्रक्रिया चाहिए? यही तो कह रहे हैं कि हमने तो कानून तोड़ा ही नहीं। जितना भी पैसा आया वो 100-100 रुपए यूपीआई के जरिए आया, चेक से पैसा डिपॉजिट हुआ है, चुनावी बॉन्ड से हुआ है, और ये जो एक्शन हो रहा है वो इनकम टैक्स का नहीं बल्कि ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित एक्शन है। चलिए मैं इस पे जवाब देता हूँ। एक बड़ी फेमस पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन जी की, जिसमें शायद इनकलाब,
जिसमें काले धन के सूटकेस दिखाते हैं, शायद कादर खान साहब है, उसमें वो कहते हैं इसको जमा करना है, तो कहता क्या है चंदा के नाम पे लेते रहो। नलिन जी आप जुड़े तो रहेगा हमारे साथ क्योंकि प्रमोद तिवारी जी भी अब जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। प्रमोद जी, नलिन जी का कहना है कि नोटिस दिए जाते हैं, फॉर्मल प्रोसीजर होता है, इनकम टैक्स अचानक से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो फिर कांग्रेस इतनी तिलमिला क्यों रही है? अजय माकन जी तो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा अचानक क्यों हो गया। मैंने भाई ऐसा क्यों करा, जो भाई चुनाव देख रहे हो सामने, इसलिए ये सारे जुल्म आपके हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 138 साल पुरानी पार्टी, आप उसके अकाउंट्स अगर सीज कराओगे, इस तरह कराओगे, सुप्रीम कोर्ट ने कल आपको खुद इस बात के लिए डांट लगाई है कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार ले आई थी बॉन्ड जिसे उन्होंने सेट असाइड कर दिया, वो किसी हट सुप्रीम कोर्ट की आप पार्टी को हट डाल रहे हो। कुल मिलाकर ये जुल्म और ज्यादती है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, जो सामने हार देखकर ये सारे काम कर रहा है। नलिन जी, जुल्म और ज्यादती आपकी बता रहे हैं प्रमोद तिवारी जी, कैसा जुल्म कर रहे हैं आप पार्टी पर? प्रमोद जी बहुत वरिष्ठ नेता है, सीनियर व्यक्ति है, इतना तो कानून कई पदों पे रह चुके हैं। मैं तो एक साधारण वकील हूँ और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कानून ये नहीं देखता कि सामने कौन है, सामने बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, जवान आदमी, कानून देखता है कि प्रावधान जो है उसका उल्लंघन हुआ या नहीं। अब ये तो पुराने जमाने वाली बात आ रही है जो हम कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ एंटाइटलमेंट, कि मैं कांग्रेस पार्टी हूँ मेरे पे कैसे एक्शन होगा, आप कौन है एक्शन लेने वाला है? ये तो उस मानसिकता से आती है जहां एक राजा जो है कहता मैं कानून से ऊपर हूं, और उस राजा को ये थोड़ी ना कह सकता है कि मैं जो है मेरे ऊपर कानून ना हो। नहीं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग तो सारी एजेंसियां आपके इशारे पर काम कर रही है ना, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स विभाग हो, सारों को आपने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पीछे छोड़ दिया है। मैं इसका जवाब भी आसानी से दे सकता हूँ। बंगाल में पहले चलिए एक एक करके कांग्रेस से स्टार्ट करें। 351 करोड़ रुपए कैश कांग्रेस के ही एक सांसद के घर पे पकड़ा गया। कांग्रेस का सांसद जिसके यहाँ पकड़ा गया उसको पहले समझाना चाहिए कि उसने 351 करोड़ रुपए कैश, भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में इनकम टैक्स में कभी भी 350 करोड़ रुपए किसी के यहाँ से बरामद नहीं किए। ये तो वो कांग्रेस पार्टी है, उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा भाई हम चंदा का अभियान शुरू करेंगे। आप देखिए ना डेट, जहां तक मुझे याद आ रहा है उन्होंने उसके बाद ही कहा कि हमारा एक चंदा अभियान शुरू होगा। चंदा अभियान आपने शुरू किया, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड जब कल आया तो आपने कहा सबसे बड़ी गाज बीजेपी पर गिरी है। अरे आपकी पार्टी को भी तो नुकसान हुआ है ना, अब इलेक्शन के लिए फंड्स कैसे आएंगे? बस सीधे एक बात कहना चाहता हूँ, जिन्होंने जिक्र किया नलिन जी ने कि एक सांसद क्या, सांसद ने खुद ही जवाब दिया है कि ये पैसा उनके व्यापार का, उनके परिवार का है, तो उसका जो सवाल जवाब करना है उनसे करें, उससे हमसे क्या मतलब है। फिर टाइमिंग का सवाल है, किसी दिन भी चुनाव की अधिकृत अधिसूचना जारी हो सकती है, तो 10 साल से क्या सो रही थी भारतीय जनता पार्टी या उनके विभाग? टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये कल ही परसों ही अशोक चौहान बोले गए, मैं देख रहा था पार्लियामेंट में जिस आदर्श घोटाला में जिसका जिक्र था वो अशोक चौहान जी था, और अब ले गए उनके पास, आप देखिएगा इनके तीनों पाल में धुल से लगभग हो जाएंगे। महाराष्ट्र में देखिए, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया नलिन जी और प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।